तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भैया तला यूनेस का गाना आ चुका है आदत। ठीक है, आ तो वैसे पहले ही चुका था और आपके भाई ने ऑलरेडी सुन भी लिया है। पहला कमेंट, दूसरा कमेंट आपके भाई का ही है गाने के ऊपर, आप देख लो। अच्छा सुनने वाले हैं, रिएक्शन देने वाले हैं। तला यूनेस का गाना है मेरे भाई। अक्सर तला यूनेस कैसा गाने बनाते हैं, अक्सर जो तला यूनेस है वो आपके थोड़े से ना, या तो आप कह लो यार ये थोड़े डिस वाले गाने बनाते हैं, या ये थोड़ी जो इनकी वॉइस होती है वो थोड़ी हार्श होती है। लेकिन ये गाना मैंने सुना है आदत। ठीक है, आदत नाम से दो गाने वैसे भी बहुत फेमस है मार्केट के अंदर। एक आतिफ असलम का है, दूसरा वाला मेरे हिसाब से निंजा का है, निंजा है या क्या पता नहीं क्या नाम है सिंगर का। ठीक है, उनका दो गाने हैं, वो भी रोमांटिक है, थोड़े से सैड वाले भी हैं। ये भी मेरे हिसाब से वही है जो मैंने सुना है, वही है, कंफर्म करके बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें मेलोडी है, मेलोडी यानी कि जो वॉइस है बहुत सॉफ्ट है, रूपल है। और भैया तला यूनुस ने जो काम करा ना इस गाने के अंदर, मतलब पहले ही दिल जीता हुआ इन्होंने मेरा ऑलरेडी। ये जो काम करा ना इन्होंने दिखा दिया है कि ये ना कुछ भी कर सकते हैं। और इतने तकड़े तकड़े गाने, तकड़े तकड़े गाने भैया इनके लिए बहुत आम बात होगी है बनानी। मतलब ये स्टूडियो में बैठ के गाने बनाते रहते हैं और सारे गाने इतने बैंगर होते हैं ना इनके भाई। ये गाना भी मेरे हिसाब से बैंगर ही है, सुनेंगे साथ में, जानेंगे साथ में। अगर आप तलाई यूनुस के फैन हो, तलाई अंजुम के फैन हो, तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1। आदत प्रोड्यूस बाय जोखे। जोखे भैया ये बंदा भी बहुत टैलेंटेड है, गिटार भी ले लो इनका, प्रोडक्शन भी ले लो। उमेर जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैं कहूंगा कि जोके जो है ये बेस्ट है यार बंदा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इन 3 2 1। एक सेकंड रुको। वही वही वाली फील है, रोफल है, पूरा रोफल ही है स्टार्टिंग से, आप देख लो। फासले बढ़ते गए, चेहरे बढ़ते। अच्छा, अच्छी बात ये, अच्छी बात ये है, अच्छी बात ये है कि हमें मिल चुके हैं भैया इसके बोल गाने के। तो फासले बढ़ते गए, चेहरे चेहरे ये पढ़ते रहे। अच्छा ठीक है, फासले बढ़ते रहे और जो चेहरे हम पढ़ते रहे, नए नए जो फेसेस हमारे सामने आते रहे, और जैसे नए नए फेसेस आते रहे हमारे सामने भैया, इस तरह से फासले हमारे बढ़ते गए। बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। मतलब कि कुल मिला के जो गाना है, समझ गए हम कि ये एक तरफा यानी कि वन साइडेड वाला गाना है ये। बाहों में लिए इन ख्वाबों को, इन कांटों पे चलते रहे। आय हाय भाई साहब, इसलिए मैं इन्हें शायर कहता हूँ मेरे भाई। लाइन सुनो ये रहा, बाहों में लिए इन हम नहीं, बाहों में लिए इन ख्वाबों को, इन कांटों पे चलते रहे। मतलब हमारे जो ख्वाब थे वो तो थे हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में थे वो, लेकिन हमें नहीं पता था कि भैया हम कांटों पे चल रहे हैं, हम ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जो कि बस पूरा दर्द वाला रास्ता है। जख्म खुद भरते रहे। दोबारा से सुनते हैं। मैं बीच में भाई, मैं देखो मेरी आदत है मैं गाने को गाता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब से मैं इस माइक के ऊपर गाता हूँ ना, तो आवाज बहुत रोबोटिक जैसी लगती है, बहुत गंदी लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं करूंगा, आपका जो मूड है वो खराब नहीं करूंगा। लेकिन भाई अगर ये माइक सही होता ना, तो आपका भाई इतना खुल के गाता इस गाने को। इसका जो हुक है ना, मुझे तेरी याद अस्सी आए हाय गजब। चेहरे पढ़ते रहे, बाहों में लिए इन ख्वाबों को, इन कांटों पे चलते रहे। जख्म खुद भरते रहे, लहरों से करते गिले, डूबे ऐसे। अब मुझे आदत है भैया, देखो मैं तो आपको ऐसे बीच में परेशान करूंगा। जख्म खुद बढ़ते रहे, मतलब अपने जो जो भी हमारे दर्द हैं वो हम खुद ही मतलब समेटते रहे, और लहरों से करते गिले। मतलब लहरों से हम गिले क्या करते हैं, हमारे जो जख्म थे हमें खुद ही भरने थे। ये मुझे लगता है कि ये इसका मतलब है, अर्थ है। ठीक है, और जो कि सेंस भी बनाता है मेरे भाई। तेरी खातिर हम वो जाम आगे करते रहे, लहजे तो काफी हैं। यार गजब गजब। एक जो लाइन आई है ना इसमें भी बीच में, इन कांटों पे चलते रहे, जख्म खुद बढ़ते रहे, लहरों से करते गिले, डूबे हैं सिर्फ तेरी खातिर हम, वो जख्म वो जाम आगे करते रहे। मतलब तेरे खातिर ही हम डूबे हैं, लेकिन तुम जो हो तुम अपने जाम आके आगे करते रहे हो, और हम जो जाम है तुम्हारे वो पीते रहे। इवन दो दे आर हर्टिंग अस, इवन दो दे आर मतलब इम्बेलेंस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, इम्बेलेंस कर रहे हैं पूरी जिंदगी में, लेकिन फिर भी हम, तुमने जो दर्द दी है हम वो पीते रहे। आए हाय यार भाई, मैं तो अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा पक्का, 110%। मैं तो हर एक लाइन को समझता हूँ यार, हर एक लाइन को मैं डेप्थ में ले जाता हूँ, और फिर जो गाने सुनने का मजा आता है ना मेरे भाई, वो यूनिक होता है एकदम।
चलो कोई नहीं, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लहरों से करते गिने डूबे हैं सिर्फ तेरी खातिर हम, वो जाम आगे करते रहे, लहजे तो काफी हैं शायद तेरे आदि हैं, समंदर ये लफ्जों का जैसे वो बहते हुए साकी हैं, तू लहू भी रग रग से वाकिफ भी, जज्बे रखा बस सदाकत भी, हिकमत भी और है नजाकत भी, न जाने तू कितनों की चाहत थी मुझे। शायद जो मेरी खामोशी है ये सब कुछ बयां कर रही होगी। गजब। आदत सी मुझे तेरी आदत सी लगे सपना बनावटी, मुझे तेरी आदत सी लगे सब बनावटी। ले डूबी ये चाहत थी मुझे तेरी आदत सी, मुझे तेरी आदत सी डूबी चाहती, मुझे तेरी आदत सी। क्या ये जश्न मेरी हार का है, सारे लोग मुझसे हार खाए, क्या ये ख्वाहिशों का मार का है या सर तेरे जहर का है, वही गिले वही शिकवे बेकरारी जब न दिखते, तेरे हुसन की तारीफों में ही बिखरे दिलकश दिल नशी, क्या क्या लिखते, शामे आदि हो चुकी वो बात याद रही, क्या करूं तेरे लिए अब मैं बात पड़ी, दिन तो गुजर जाते लगती हर एक रात पड़ी, जला दे जमाने को वो आग भरी, अशकों से दरिया ये भर गए, समझे हम लहरों से डर गए, न चाहते हुए भी बिछड़ गए, फिर से तुम मुंह पे मुकर गए, मुझे तेरी आदत सी। ना चाहते हुए भी बिछड़ गए, फिर से तुम मुंह पे मुकर गए। मतलब ये जो दर्द है ना, ये सब कुछ झेल के एवरीथिंग इज फाइन चलो इन दी एंड, लेकिन जाते जाते भी भैया ना चाहते हुए भी बिछड़ गए, सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन फिर भी जाते जाते तुम फिर से मुंह पे मुकर गए। क्या ये जश्न मेरी हार का है, सारे लोग मुझसे खार खाए, क्या मतलब ये जो जश्न है, ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है, ये मेरी हार का है क्या, और सारे लोग जो है मेरे से क्यों भैया चिढ़ते हैं, क्या क्या ख्वाहिशों का मार का है या सिर्फ तेरे या तेरे सिर्फ तेरे जहर खाए। अच्छा ठीक है, अपनी ख्वाहिश मार दें या सिर्फ तेरी जो जहर मतलब तेरा जो साथ है वो हमें खा रहा है, या अपनी ख्वाहिश मतलब आप समझ रहे हो ना यार, थोड़ी फील समझो यार। यार मैं ये दोबारा से वर्सी दोबारा से प्ले करूंगा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत ही गजब लग रहा है, और आखिरी में दो तीन लाइन ही जो है ना इसमें, मतलब पूरा ही गाना बेस्ट है, लेकिन आखिरी में दो तीन लाइन जो है ना, लाइन जो है ना मेरे भाई। हुसन की तारीफों में ही बिखरे दिलकश दिल नशी, क्या क्या लिखते, शामें आदि हो चुकी वो बात याद रही, क्या करूं तेरे लिए अब मैं बात पड़ी, दिन तो गुजर जाते लगती हर एक रात पड़ी, जला दे जमाने को वो आग भरी, अशकों से दरिया ये भर गए, समझे हम लहरों से डर गए, अब सुनना मेरे भाई, समझे हम लहरों से डर गए, ना चाहते हुए भी बिछड़ गए, फिर से तुम मुंह पे मुंह पे मुकर मुकर गए, गए, मुझे तेरी तेरी आदत आदत सी। सी, मुझे तेरी आदत सी लगे सब बनावटी। अच्छा पीछे 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 आप ध्यान से सुनना गाना, पीछे जब ना पीछे जो गिटार है ना, गिटार जो चल रहा है मेरे भाई, ये जो मतलब ये जो किया जा रहा है ना गाने में, चार चांद लगाए जा रहे हैं, ये जोखे हैं, जोखे बेसिकली गिटार के अंदर बहुत ही प्यारा प्ले करते हैं, और बाद में जो कर रहे हैं ना, 1 मिनट आप सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पीछे ना जैसे लाइन खत्म होगी ना, तो पीछे गिटार की एक पूरी पूरी लय चल रही है, देखना अभी अभी देखना, अभी जब आखिरी लाइन आएगी ना इस रैप की मतलब इस वर्स की, तो फिर देखना। मुंह पे मुकर गए मुझे तेरी आदत सी, मुझे तेरी आदत सी लगे सब बनावटी, ये डूबी ये चाहती मुझे तेरी आदत सी, ये
मुझे तेरी आदत थी, ले डूबी ये चाह थी, मुझे तेरी आदत थी, मुझे तेरी आदत थी, मुझे तेरी आदत थी, गजब यार, गजब गजब गजब। अच्छा कुछ कमेंट देख लेते हैं, कमेंट क्या रखे हैं। हाँ ये लाइन ही तो यार मुझे भी बहुत लगी अच्छी। अश्कों से दरिया ये बह गए, समझे हम लहरों से डर गए, क्या बात है, ना चाहते हुए भी बिछड़ गए, फिर से तुम मुंह पे मुकर गए, क्या बात है। वन ऑफ द बेस्ट वर्सेटिलिटी, बिल्कुल मैं मानता हूँ भैया, जो वर्सेटाइल है ना इनकी वर्सेटिलिटी है, दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। ये बंदा वो है जो कि भैया हाथ बांध, छोटे हाथ बांध, ये गाना उतना तगड़ा करते हैं। और ये गाना जो है ना भाई, ये मेरे लूप पे ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं मैं लगातार इस गाने को सुन रहा हूँ, और लगातार मैं भैया रिएक्शन देता हूँ इस गाने के ऊपर। आज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक स्टोरी भी डाली है भाई आपका भाई। हाँ तो भाई सल्यूट ब्रो, सल्यूट। अगर मुझे नहीं पता कि भाई आप तक ही मतलब पहुंचे कि नहीं पहुंचे की वीडियो, लेकिन कभी पहुंचे तो याद रख लेना कि इंडिया में देहरादून के अंदर आपका एक बहुत बड़ा फैन रहता है ब्रो, बहुत बड़ा। और आपकी जो लेखी लेखी है ना, उसका बहुत बड़ा दीवाना हूं मैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ये कुछ रिएक्शन था, मुझे पता है कि थोड़ा सा भैया मेरा झुकाव हो सकता है इधर की साइड, लेकिन है तो है, क्या करें भैया, अपना फेवरेट है यार बंदा, अपने फेवरेट है यार, अपने फेवरेट की तरफ नहीं हो रहा। और जिससे हम रिलेट करते हैं तो वो तो नेक्स्ट लेवल है। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे आदत भाई, मैंने ऑलरेडी लूप पे चला दिया है, मैं वेट कर रहा हूँ स्पॉटिफाई के ऊपर कब आएगा। स्पॉटिफाई के ऊपर भैया लगातार मैं इस गाने को सुनूंगा, ताकि ये आगे बढ़े गाना और ज्यादा। अगर आप फैन हो, सच्ची फैन हो, तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, वीडियो को लाइक करना मत करना, दैट इज योर चॉइस, लेकिन भाई मजा आ गया गाना सुन के। तला यूनुस ब्रो, यू आर अ लेजेंड। तला यूनुस, तला अंजुम, यू ऑल आर लेजेंड ब्रो, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ नेक्स्ट फाइव सॉन्ग्स। और बहुत बहुत मतलब बहुत आम हो गया आप लोगों के लिए इतने गाने बनाने, मतलब मैं तो काफी रिलेट कर पाता हूँ आपसे ऐसे गानों में। तो भाई थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। लाएंगे नया रिएक्शन, या हो सकता है पुराना रिएक्शन पुराने गाने के ऊपर। बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, मुझे तेरी आदत सी।